जाएगा तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आके आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना होगा। अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और एक सिक्योर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद spyevent.com आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा। तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन मेल पे क्लिक करना होगा। मेल पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वेरीफाई नाउ का, तो सबसे पहले उस पर क्लिक कर देना होगा आपको। ठीक है, और क्लिक हो जाने के बाद आप ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाएंगे और लॉग इन नाउ पर क्लिक करके आपको सीधा लॉग इन पेज पे जाना होगा। ठीक है, और ये रहा उसका लॉग इन पेज, और यहाँ पर आपको सिंपली आपको वही जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन होना होगा। लॉग इन हो जाने के बाद आप सबसे पहले इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना होगा और आप ऑलरेडी एक एपीके डाउनलोड कर लेंगे जिस ऐप का नाम होगा शायद सिंक सर्विस या फिर सिक्योर सर्विस नाम का। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करके इसे होगा इंस्टॉल कर लेना होगा अपने विक्टिम के फोन में। ओके गाइस, आप जिसका फोन हैक करना चाहते हैं या फिर जिस पर स्पाई करना चाहते हैं, हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका चाइल्ड हो या फिर आपका कोई भी एम्प्लॉय हो, तो सबसे पहले आपके फोन उसके फोन पर ये ऐप आपको सीक्रेटली इंस्टॉल करना होगा। ओके गाइस, तो ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद सबसे पहले आपको इसे ओपन करना होगा अपने विक्टिम के फोन पर। ठीक है गाइस, ओपन करने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्किप और नेक्स्ट का, और ये बाकी सब कुछ एकदम बेसिक है, आप सब अपने आप ही कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फिर ये सब प्रोसीड हो जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने डिवाइस का नेम सेलेक्ट करना होगा, यानी कि विक्टिम के डिवाइस का नेम सेलेक्ट करना होगा, और यार यहाँ पर वही जीमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा जिस जीमेल आईडी और पासवर्ड आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। उसके बाद आपको spyevent.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना होगा और उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जिस जीमेल आईडी से आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है या और उस विक्टिम के फोन में जिस जीमेल आईडी से आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। तो फिर लॉगिन हो जाने के बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है जैसे कि कॉल लॉक्स, एसएमएस लॉक्स। सबसे पहले मैं आपको कॉल लॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉल लॉक्स में उस फोन में जितने सारे कॉल्स अब तक आ चुके हैं या फिर जा चुके हैं और उस फोन में किस नंबर से फ़ोन किया है या फिर कितने देर तक बात की, क्या क्या बात की, सब कुछ यहाँ पर है, आप ऑलरेडी मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर मैं बैक आकर एसएमएस लॉक पर क्लिक करता हूँ तो किस नंबर से कब कौन सा एसएमएस आया है, क्या एसएमएस आया है, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पर इसके डिवाइस का जीपीएस लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, उसके डिवाइस का ब्राउजर मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि वो बंदा यानी कि आपका विक्टिम कौन सी ब्राउजर यूज़ कर रहा है नेट यूज़ करने के लिए, कौन सा वेबसाइट बार बार सर्च कर रहा है, सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं सिंपल आपके फ़ोन से रिमोटली। बस आपको करना क्या होगा, ये ऐप आपको अपने विक्टिम के फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं क्या होगा अगर आप ऑलरेडी हैक्ड हो चुके हैं। तो फिर सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना होगा और आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा जिसका नाम है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, और वहाँ पर जाके सिक्योर सर्विस को अनटिक कर देना होगा। ठीक है, अनटिक करके डीएक्टिवेट पर क्लिक कर दूंगा और वो ऑलरेडी अनटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा बैक, और बैक जाके ऐप्स पर क्लिक करके सिक्योर सर्विस नाम का ऐप जो आपको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है उस ऐप को ढूंढना होगा और उस ऐप को सिंपली आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा और अब बच जाएंगे।